गाइस दिस इज बाणगंगा। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैष्णो देवी। तो आप देख सकते हो मैं हूँ भोजनालय में। सुबह 7 बजे उठा हूँ क्योंकि आराम से जाऊँगा, कोई जल्दी नहीं है। शाम के 5 बजे हमारी रिक्शा है, तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में है बटर स्लाइस और चाय। तो अभी तक नहाया नहीं क्योंकि गर्म पानी अभी आ नहीं रहा, पानी काफ़ी ठंडा है। कल मैंने ठंडे पानी से नहाया, आज लेकिन गर्म पानी से नहाऊंगा। थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी तो अभी वापस लाइट आई है, पानी गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं फिर माता के दर्शन के लिए निकलते हैं। तो बोलो जय माता दी। 2000 years later। तो गाइस जय माता दी, ऑल सेट, निकल रहा हूँ। आप देख सकते हो पूरा सेटअप रेडी है। 9 बज रहे हैं सुबह के और अभी हम यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी भी डॉर्मेट्री में, अभी नीचे चलते हैं और फिर टुवर्ड्स बाणगंगा जाएंगे, फिर वहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। तो चलो जय माता दी। जैसे मैंने कल कहा था कि आपको दर्शन के लिए पर्ची लेनी जरूरी है, तो अभी पर्ची ले रहे हैं और फिर हमारा सफर शुरू हो जाएगा। हाँ जी योगेश, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने ऑलरेडी वो ऑनलाइन ये कर दिया है। ये हमें कार्ड दिया गया है, मतलब हमारे डिटेल्स लिए और ये कार्ड दिया है, पिन कोड वगैरह पूछ के, नाम पूछ के। तो इसमें कुछ मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक है एंट्री के लिए, सो स्कैन बिन हो जाएगा कुछ। तो अभी देखते हैं अपन ऊपर जाके। तो अभी इसको मेरे को गले में पहनना है और चलो चलते हैं। बोलो जय माता दी। A few moments later. So guys, यहां से हमने ये पर्ची ली काउंटर की, उसी के बगल से ये रास्ता निकलता है और ये हम पहुंचे। ये मेन जो है ना, ये लेफ्ट में आप देख रहे हो, तो ये बाणगंगा वाला रास्ता है जो चौक से आता है और ये अभी हम यहाँ पे इसको ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब आपको घूम के जाने की जरूरत नहीं है, काउंटर नंबर 2 से ये बगल से ये शॉर्टकट है। और ये देखिए, ये आप जो देख रहे हो, ये लोग रिक्शा में आ रहे हैं चौक में से, जो नीचे वाला जो है। बोलो जय माता दी। चलो अभी हमारी यात्रा शुरू हो रही है, आगे एंट्री है। ये सामने जो गेट दिख रहा है बड़ा, ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से भवन का रास्ता जाता है। और ऑलरेडी लोग लाइन में खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे अभी उनका बैग चेकिंग वगैरह होगा। अभी काफ़ी सारे घोड़े वाले वगैरह हमें अप्रोच करेंगे, लेकिन हमको तो चल के जाना है क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शा है। अभी हमने लाइन लगाई है यहाँ पे, अभी हमारी फ्रिस्किंग होगी, सामान चेक किया जाएगा और उसी के बाद हमको आगे जाने देंगे। तो चलो बैग वगैरह चेक करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। तो गाइज अभी हमारा सामान चेक हो गया, फ्रिस्किंग हो गई और अभी हमारी यात्रा शुरू होती है। तो बोलो जय माता दी। जय कराए शेरा वाली दा भूल साचे दरबार की जय। तो गाइज दिस इज बाणगंगा, आप देख सकते हो पानी बहुत जोर से बह रहा है और ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे बाणगंगा में नहा के फिर आगे निकलते हैं। बाणगंगा की भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे ये नहाने के लिए इन्होंने व्यवस्था कर की है। दैट इज कटरा सिटी और वो लेफ्ट साइड में आपको जो ब्लू वाले ये दिख रहे हैं, दैट इज कटरा स्टेशन जहाँ से हम कल आए थे। ब्यूटीफुल इट इज। सो ब्यूटीफुल। मतलब ऊपर पहाड़ों के बीच से ये बादल जा रहे हैं, मतलब बादल नीचे आए हैं और पहाड़ उनसे भी ऊंचे हैं। गाइस अभी हमने ऑलमोस्ट 3-3.5 किलोमीटर कवर किए हैं और यहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए रुके हैं।
आप देख सकते हो बहुत पसीना पसीना हो गया। अभी तो हमारी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक बार वहाँ पे पहुँचेंगे तो आराम कर लेंगे और फिर हमारी तो ई रिक्शा है वहाँ से, तो चलो फिर मिलते हैं आगे। ना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। इन्होंने ये टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, साइन बोर्ड का ही काम है, मतलब हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ये टॉयलेट्स है और काफी साफ सुथरे हैं। चलो अभी हम लोग अपना सफर शुरू करते हैं। दैट इज कटरा और यहाँ से हमारा त्रिकुटा भवन जहाँ पे हमारी डॉर्मेट्री है वो भी दिख रही है, हमारी डॉर्मेट्री भी त्रिकुटा भवन। तो चलो दुकुवारी ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से चलते हैं वहीं पे बैठेंगे आराम से। यहाँ पे भी हमारे सामान की चेकिंग होगी फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो आवाज़ आ रही है बंदर है। हम पहुँच चुके हैं अद्दू कुंवारी, अब देख सकते हो सामने ये अद्दू कुंवारी है। सो गाइस यहाँ पे है मतलब गर्भजून की पर्ची काउंटर है, मतलब यहाँ से आपको पर्ची निकालनी है फिर आपका जब भी नंबर आता है तभी आप गर्भजून के दर्शन ले सकते हो, मतलब अद्दू कुंवारी के। तो चलो अभी हम अपनी पर्ची निकालते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हो पीछे का नज़ारा, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये पहाड़ है और क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, सो ब्यूटीफुल, मतलब आप देखते ही रहो। गाइज़ अभी हमने अद्दू कुंवारी के दर्शन के लिए हमने पर्ची निकाली तो पर्ची का नंबर आया 64। तो जब मैं क्लॉक रूम में गया सामान रखने के लिए मुझे बोला गया कि इतने जल्दी सामान नहीं लेंगे, जब ये हमारा नंबर नज़दीक आता है तभी वो सामान लेते हैं। और ये भी कहा है कि जो 64 है ये आज रात को आ जाएगा या फिर कल सुबह आएगा। तो अभी पता नहीं, अद्दू कुंवारी के दर्शन तो शायद से नहीं होंगे हमारे, तो अभी मैं देखता हूँ आगे क्या करना है क्योंकि हमारी जो रिक्शा है यहाँ से वो 5 बजे शाम को, तो मैं रिक्शा काउंटर पर जाता हूँ देखता हूँ अगर उन लोग हमको जल्दी अलाउ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस जैसे मैंने कहा था कि शाम को पाँच बजे की हमारी इलेक्ट्रिक रिक्शा थी, लेकिन माता के कृपा से हमने काउंटर पे गए तो हमको अभी इन्होंने पर्ची दे दी है, तो अभी हमने निकल रहे हैं। तो चलो जल्दी हो गया हमारा। 2000 years later। सो गाइस हम भवन पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने कहा था मेरी जो टिकट थी वो 5:30 की थी इलेक्ट्रिक कार की, और लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो जाके पूछते हैं क्या अलाउ करते हैं क्या, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया और 2 बजे और ऑलरेडी मैं भवन पहुंच चुका हूं। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है अभी हमारे दर्शन जल्दी हो जाएंगे और उसके बाद हमको भैरव भी जा सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रॉली, जो ट्रॉली है उस ट्रॉली कार से हम भैरव भी जा सकते हैं। तो चलो अभी भवन चलते हैं, दर्शन लेते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ, फुर्सत में बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। सुरेश यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ता है, नीचे इनका क्लॉक रूम है जहाँ पे आप जूते बैग वगैरह आपको रखना है दर्शन माता के दर्शन के पहले। तो गाइस दर्शन हो चुके हैं, अब देख सकते हो टीका लगा हुआ है, तो बहुत मस्त दर्शन हुए, मतलब 15 मिनट में दर्शन करके मैं बाहर आया, पहली बार इतने फास्ट दर्शन हुए मेरे। तो डिटेल में मैं सब बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारा शोरगुल है और बात करने के लिए हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे मेरी सांस ही फूल रही है। मैं कहीं पर फुर्सत में बैठता हूँ और आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस मेरे पीछे आप जो देख सकते हो देख रहे हो वो लाइन है केबल कार के लिए और भैरव बाबा, और ये देखिए मतलब ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और वो जो ब्लू शेड दिख रहा है आपको वहाँ पे जाके ख़त्म होती है ये। हमें पूरा इतनी लाइन पार करनी है लेकिन दिक्कत नहीं है क्योंकि एक बार एक कैब में एक कार में मतलब केबल कार में 20 से 25 लोग बैठते हैं तो वो फटाफट हो जाएगा। चलो देखते हैं कितनी टाइम लगती है। Thank you.
गाइस अभी हम केबल कार में और अभी जा रहे हैं भैरव के दर्शन के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नजारे कैसे दिखते हैं। जय माता दी। गाइस हम भैरव बाबा पहुंच चुके हैं, मतलब अभी हम लोग केबल कार से बाहर निकले, अभी दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ से। चलो मैं दिखा दूँ आपको मंदिर के दर्शन कर रहा था। तो गाइस भैरव बाबा के दर्शन हो गए और अभी कुछ नहीं, रूम पे जाना है। तो आपको मैं आसपास का ज़रा नज़ारे दिखाता हूँ और फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको मैं डिटेल में बताऊँगा ये कैसे यहाँ का सिस्टम है, तो थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए, कहीं पे मैं फुर्सत में बैठता हूँ आराम से और फिर मैं आपको पूरा समझाता हूँ। गाइस ये आपको जो सामने दिख रहा है दैट इज़ भैरव मंदिर, और इसकी सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बट ये लोकेशन बहुत सुपर्ब है, आप देख सकते हो। गाइस भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से भवन जाएंगे और फिर भवन से रिटर्न कटरा। तो चलो अभी लाइन लगाते हैं केबल कार की। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, मतलब वैष्णो देवी के दर्शन हुए, भैरव बाबा के दर्शन हुए। अभी हम आए हैं भवन और यहाँ पे मैंने चाय और थोड़े बिस्किट खा लिए और अभी चलते हैं, देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। चलिए अभी बाहर जाते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे जम के बारिश हो रही है अभी। The next day. Hey guys, good morning. और कल मैं वीडियो क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि जैसे ही मैं अदुकुवारी में उतरा इलेक्ट्रिक रिक्शा से, बारिश इतनी झमाझम शुरू हुई कि मैंने कैमरा वगैरह सब अंदर डाल दिया। मुंबई वाला अपना जो रेनकोट है, पैंट और टॉप प्लास्टिक वाला, वो पहना और मैं चुपचाप नीचे आया। आते आते कुछ 9 बज गए नीचे और उसके बाद इतनी ताकत नहीं थी कि वीडियो क्लोज करूँ, तो मैंने चुपचाप सो गया। सुबह कल जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी कुछ हुआ कल, मतलब बहुत सारे हमने चांस लिए जिसकी वजह से हमारे दर्शन भी जल्दी हो गए। तो आपको मालूम है मेरी इलेक्ट्रिक रिक्शा का टिकट था शाम को 5:30 बजे का, मतलब 5:30 बजे हम भवन जाने वाले थे, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन लेने वाले थे और उसके बाद हम नीचे आने वाले थे। तो मेरा अंदाज़ा था कि कम से कम 1:30-2 रात का बजेगा, ज़्यादा भी बच सकता था नीचे आने के लिए। जब हम अर्धकुंवारी पहुँचे, हमने पर्ची ली अर्धकुंवारी के दर्शन की, तो हमें बोला गया कि ये इसका जो नंबर है वो रात को आ जाएगा या तो फिर दूसरे दिन सुबह। तो मैंने पर्ची ली और मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शा के जो काउंटर था वहाँ पे मैं गया चेक करने के लिए कि भाई वो अलाउ कर सकते हैं क्या हमें जल्दी जाने के लिए। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मैंने वो जो वहाँ पे जो एक भैया थे पुलिस वाले थे उनसे मेरी बात हो गई, तो उन्होंने बोला हाँ कोई नहीं आप जाओ, तो मुझे अलाउ कर दिया। और करीबन 2:30 को मैं भवन ऑलरेडी पहुँच चुका था
आफ्टरनून में। तो 2:30 को मैंने जैसे ही भवन पूछा, मैंने क्लॉक रूम में अपना सामान वगैरह रखा, और क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए थोड़ा टाइम जाता है, क्योंकि जो क्लॉक रूम है ना वो मतलब सीढ़ियों से आपको नीचे जाना पड़ता है, काफ़ी नीचे है। वहाँ पर आप जाओगे क्लॉक रूम में सामान रखोगे, वो तो अच्छी बात है कि क्लॉक रूम में कोई भीड़ नहीं थी, बहुत बार चाबी लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो हमने तुरंत हमको चाबी मिली, क्लॉक रूम में सामान रखा और मैं ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मुझे ध्यान में आया, अरे मैंने प्रसाद लेना मैं भूल गया। तो फिर से मैं प्रसाद लेने के लिए बिना जूते चलने में तकलीफ होती, ऑलमोस्ट आधा पौना किलोमीटर में पीछे गया, प्रसाद लिया मैंने और वापस आया। दर्शन करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट में हमारे दर्शन हुए माता के। माता के दर्शन होते ही हम बाहर आए और क्लॉक रूम से सामान लिया। तो फिर उसके बाद मैं भोजनालय गया, तो मैंने चाय और बिस्कुट खाया, और फिर वहाँ से मैंने केबल कार जो है भवन जाने की उसकी लाइन लगाई। तो करीबन आधा घंटा लगा मुझे लाइन में। उसके बाद हमने टिकट लिया, 100 रुपीज़ का आपका जाना और आना है, मतलब रिटर्न का आपका 100 रुपीज़ है। जैसे ही टिकट मिला हमने बोर्ड किया केबल कार, 2 मिनट लगे मात्र हमको ऊपर जाने के लिए। तो भैरव बाबा के वहाँ पे हम गए, सीधा दर्शन की लाइन में खड़े रहे 10 या 12 मिनट में हमारे भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। वहाँ से हम निकले, थोड़ा वहाँ पे फ़ोटो वोटो निकाला, रील निकाला, वीडियो निकाला, और वापस केबल कार से 2 मिनट में हम नीचे आ गए। नीचे आते आते करीबन 5 बज गए थे शाम के। तो 5 बजे मैं क्या किया, मैंने सोचा चलो अभी नीचे चलते, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा की लाइन लगी है। तो हमने सोचा चलो चांस लेते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अधुवारी तक हम इलेक्ट्रिक रिक्शा में जाएँ। तो मैंने लाइन लगाया, कम से कम आधा पौना घंटा लाइन में गया। उसके बाद वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो गई और धक्का मुक्का हो गया, उसमें थोड़ा मेरा झगड़ा भी हो गया सॉर्ट ऑफ। देखिए, हम जहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, माता का आशीर्वाद लेने जाते हैं, वहाँ पे झगड़ा करना सही नहीं है। लेकिन मैं गिरते गिरते बच गया, इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा, मैंने झगड़ा नहीं किया एग्जैक्टली, हाँ बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने बोला कि भाई ये तरीका नहीं है आपका, जिस ढंग से आप ये कर रहे हो। तो फिर बाद में हमारे टिकट हो गया, 236 रुपीज़ लगे हमारे टिकट के लिए भवन से अधकुंवारी आने के लिए। अधकुंवारी में हम जब ही आए, तभी ऑलरेडी मौसम है ना बारिश वाला हो गया था, मतलब भवन में तो बारिश हो रही थी लेकिन अधकुंवारी में पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। तो हमने सोचा कि अभी अधकुंवारी के अभी दर्शन तो हमारे रात के होंगे या तो फिर दूसरे दिन सुबह। तो हमने बाहर से ही अधकुंवारी के दर्शन लिए, वहाँ से मैं रिटर्न आना शुरू किया। थोड़ा आगे आने के बाद ज़ोर से बारिश हुई, बेहिसाब बारिश शुरू हो गई। तो मैंने अपना रेनकोट पहना, अपना टॉप पहना, और मैं अकेले, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग तो साइड पे रुके थे बारिश की वजह से, लेकिन मैं चलते 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 नीचे आ गया। नीचे आया, फ्रेश हो गया, फ्रेश होने के बाद सोचा खाना खाऊं, तो नीचे भोजनालय में गया। मैंने राजमा चावल लिए, राजमा चावल मैंने लिए लेकिन मुझे खाने का मूड ही नहीं हुआ, थोड़े मैंने खाए। तो फिर मैं आया रूम में और मैं सो गया। सुबह 4:15 बजे के करीब मेरी आँख खुल गई, क्योंकि जो बाकी जो लोग थे डॉर्मेट्री में उनके दर्शन थे, तो उन लोग जल्दी उठे, तो उस आवाज़ में मेरी नींद खुल गई। और उसके बाद जो बारिश शुरू हुई और बिजली कड़कने लगी, उसकी आवाज़ से फिर नींद ही नहीं आई। अभी मैं 7 बजे नीचे गया, 7 बजे यहाँ के यहाँ भोजनालय खुलता है, चाय के साथ मैंने ब्रेड बटर खाया और फिर ऊपर आके मैं बैठ गया। तो बस अभी नहाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, अभी निकलेंगे यहाँ से और जम्मू जाएंगे। जम्मू में हमारी थोड़ी शॉपिंग करनी है, जम्मू में ही रहेंगे और कल सुबह हम हमारी ट्रेन जम्मू से ही पकड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। लेफ्ट साइड में जो आपको मंदिर दिख रहा है, दैट इज रघुनाथ मंदिर। इस शॉप से मैं कितने ही सालों से ड्राई फ्रूट्स खरीद रहा हूँ। दिस इज हाउ जम्मू लुक्स। जो हिंदू देवता हैं 33 करोड़, इन सभी के लिए, सभी की यहाँ पे लिंग रूप में स्थापना हुई है।